विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ गद्दारों की लिस्ट में बड़े बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक रहे किशन लाल राजपूत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो अपने पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। बरखेड़ा सीट से 2017 में किशन लाल राजपूत विधायक चुने गए थे। 5 साल के कार्यकाल में जनता के बीच न जाने और जनता की शिकायतें न सुनने के कारण उनका क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर स्वामी प्रवक्तानंद को अपना उम्मीदवार बना लिया, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद स्वामी प्रवक्तानंद बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हेमराज वर्मा से जीत गए। स्वामी प्रवक्तानंद की जीत के बाद एक तरफ जहां कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रहे किशन लाल राजपूत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल हुए ऑडियो में किशन लाल राजपूत एक कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि सारे वोट सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा को दिलवा दो, हेमराज वर्मा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दो, मैं भी लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में पूर्व बीजेपी विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद को हारता हुआ भी बता रहे हैं। साथ ही किशन कहते हैं कि अगर स्वामी प्रवक्तानंद जीत गया तो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश विधायक बन जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी किशन लाल स्वामी प्रवक्तानंद का विरोध कर चुके हैं। इससे पहले टिकट बंटवारे को लेकर भी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बसपा प्रत्याशी को मैदान में उतारने की जुगत में भाजपा विधायक किशन लाल राजपूत जुटे हुए थे। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रवक्तानंद को ढोंगी तक करार दिया था। फिलहाल मौजूदा मामले को लेकर पार्टी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। अब किशन लाल राजपूत पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।